बहुत अच्छा लग रहा है फिर से मजाक मजाक में आप लोग आज हम वो करने वाले हैं जो कोई नहीं कर सकता था। ऐसी मशीन लगाऊंगा लेकिन आज 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 हम अंजाम देंगे। आज हम आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है भी ना शेर सुनाना हलवा है क्या कोई मोमेंट बना कोई मोमेंट बना आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है भी हजरात 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 सलाम बजर शब्दों से फिर भेजा खाना हलवा है क्या हलवा है क्या ऐसा है कि शाम तक हमें 20 नई गजलें चाहिए 20 गजलें शाम वो भी ऐसी कि सुन के कलेजा मुंह को आ जाए। हमें जवानी में बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे उस जमाने में भी किसी ने फरमाइश की बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे। आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल। लानत है लानत है लानत है सुन के कलेजा मुंह को आ जाए। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल। चमचागिरी करना कम करो। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल 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 के नाचो नाचो हिल 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 के नाचो नाचो हिल हिल के नाचो करुणा गो करुणा गो ओ करुणा गो करुणा। ये कि जो चाइनीज होटल्स है चाइनीज रेस्टोरेंट है ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। और क्या करूं सड़क पे आ जाऊं वड़ा बेचूं भजिया तलूं। ये सरकार ने उनको इसी तरह का आदेश देना चाहिए ये सरकार ने उनको इसी तरह का आदेश देना चाहिए। क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चला चाटला कम करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चलाक तलवे चाट के मंत्री बन गए हो ना उन्हें भी थी गरीबों की तू कितना सीखा है रे पांचवी है फेलू उन्हें भी थी गरीबों नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। वाह जा भाई ये भी कमाल का मिश्रा हो गया। पॉलिटिक्स वाली एक ऐसी जगह है जहां क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं लगता। क्यों करप्ट होना जरूरी नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का तुम जैसे पावर ब्रोकर्स के लिए कुछ कठिन नहीं है। ये तुम्हारी नामर्दानगी का नतीजा है। In politics, you will find three kinds of fighters. Those who lean towards the left. Those who lean towards the right. But the most dangerous of them all is the fighter who now shows which way he is leaning. Ek hi blow mein aap. Narendra Modi ji ke saath dosti karne ki mere paas hai kala. इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। डिप्टी चेयरमैन सर रोज नारे देना ठीक नहीं है क्योंकि मैं नारे दे देकर मैं इधर आया हूँ। आलो ले लो मैं नारे दे देकर मैं इधर आया हूँ। कांदे ले लो आलो ले लो See, everything is in order. Then why do you want point of order? Sir, I have a serious point of order. मैंने point of order यहाँ व्यक्त करने का अधिकार जरूर मेंबर को है लेकिन जिसमें पॉइंट ही नहीं वो ऑर्डर का क्या मतलब है? अचानक
अचानक से चुनाव लोकसभा लड़ने का फैसला किया, क्यों, वजह क्या? मस्ती। बहुत दिन विधायक रहे, चार झोंक रहे, अब दिल्ली जाए का मन है। क्या अच्छा लगता है दिल्ली के बारे में? सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा, था भी कहते अच्छा है। दुनिया के बड़े रंग है राजेश्वर, बहुत बहुत मजेदार। तो आप आखिर कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या आपने फैसला किया किस दल से आपको टिकट मिलेगा? हम फैसला किया कांग्रेस से लड़ेंगे। फैसला कर लिया? हाँ। कांग्रेस से बात हुई है आपकी? नहीं। किसी से बात हुई है आपकी? राहुल गांधी से? किसी से बात? हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन हम लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव अगर आप कह देंगे कि नो एंट्री है अनंत सिंह की, तो फिर कैसे आप महागठबंधन से चुनाव? नहीं, हमें लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? अच्छा, आप लोगों ने फैसला भी कर लिया? मैंने टिकट दिया नहीं, आप लोगों ने फैसला भी कर लिया? चुनाव तो कह दिया हम लड़ेंगे। और ये इलेक्शन का टिकट है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट है? राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री अगला? राहुल गांधी बनेंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, ये काला धन वापस आना चाहिए। जुमला, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। जुमला, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। जुमला जुमला, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं। Everybody in high alert. I want no mistakes. उन्हें एक नई दिशा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आपके सामने हमारे प्राप्त करने का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल, कहाँ जा रहे हो? खुद खुशी कर। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और क्या करेगा? जैसा कि आप सब जानते ही हैं। नहीं। रामदेव स्वामी नहीं है। अरे मुन्ना, तू सच बता दिया रे। एक जमाने में तो आप भी रामदेव बाबा के साथ बैठ के अनुलोम विलोम सांस ऊपर नीचे करते थे। हमने देखा है कि दुनिया थक गई है, अभी तक कैंसर का इलाज कितना पैसा खर्चा हो गया और तुमने कुछ नहीं किया। रामदेव जी के सेंटर पर मैं कई एक बार गया, उसमें देखा भाई बोलो इतना आदमी को कैंसर ठीक हुआ, उसमें ट्रेंड आदमी मिलता, 5 आदमी खड़ा हो गया। अभी जो है ये बच्चे ने प्राणायाम किया और वो हृदय भी नहीं आया, दवाई गोली खाई है, खाली प्राणायाम ही किया। आपको वो किया थे प्रणाम, योगा वगैरह किया, उसी से ठीक हुआ बाबा जी? योग से कर लिया काम। बाबा जी, ये मेरे पैर पे गड्ढा नहीं मगर वो ठीक नहीं हो रही। गड्ढा भी है पैर में? हाँ जी। इसमें तो ये जब हार्ट का गड्ढा भर गया तो पैर का भी भर जाएगा। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। ये ले।